मारवाड़ी मिड्डी आप देख रहे हैं। आज है 7 अगस्त 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की सप्तमी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। यह 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन 2908 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाए जाएंगे। राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यात्रा करने वाले हर व्यक्ति की जरूरत की हर सुविधा इन स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। वहीं देखिए, जोधपुर के रेलवे स्टेशन के हेरिटेज लुक बनाए रखने के साथ साथ इसका नया निर्माण एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। हरियाणा के नोहे में हिंसा के दौरान जिस सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई थी, प्रशासन ने उसे गिरा दिया है। रविवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा में इस होटल पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। रविवार को लगातार तीसरे दिन नोहे में अवैध निर्माण हटाए गए। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह सब 31 जुलाई की हिंसा में शामिल दंगाइयों के हैं या इनका दंगा फैलाने में इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बड़ी खबर है, राजस्थान में अब आशिक मिजाज मनचलों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीएम गहलोत ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचले युवकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने साफ कहा है कि मनचले बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी खबर यह भी है, मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर भी देखने को मिला है। बीकानेर में रविवार को 764 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शनिवार को ही सीएम गहलोत ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि गश्त बढ़ाए और मनचलों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करे। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, फ्री मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को कम करने के लिए भाजपा एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल भाजपा के नेता गांव-गांव में जाकर जनता से ये पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो वह लोग हमारी सरकार से क्या चाहेंगे। भाजपा के नेता जनता के बीच जाकर पूछेंगे कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई है। जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर ही भाजपा अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। यानी कि कहीं न कहीं भाजपा के नेता एक सर्वे करवाएंगे जिसमें यह पता लगाएंगे कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, उसके बाद ही घोषणा पत्र में वह योजनाएं शामिल होगी। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगस्त का महीना अन्य महीनों के मुकाबले शुष्क रहने वाला है, यानी कि इस दौरान औसत से कम बारिश हो सकती है। बड़ी खबर यह है, मौसम केंद्र जयपुर ने 7 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। इस 7 दिन में अधिकतर क्षेत्रों में नाम मात्र ही बारिश का अनुमान है, यानी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और पश्चिमी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ एक स्थानों पर हो सकता है रिमझिम फुहारे देखने को मिल जाए। वैसे आपको बता दूं, हो सकता है 10 से लेकर 12 अगस्त के बीच प्रदेश में हल्की रिमझिम बारिश की संभावना बन रही है। देखिए, मानसून की जो ट्रफ लाइन है वह अब उत्तर की तरफ खिसक गई है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश का दौर रुक चुका है। ऐसे में राजस्थान में इस पूरे सप्ताह में नाम मात्र ही बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार आज राजस्थान के लोगों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा, नए जिलों का आज उद्घाटन होगा। सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए जो 19 नए जिले बने हैं उनका उद्घाटन करेंगे। नए जिलों पर आज फाइनल एक्शन होगा। सीएम गहलोत 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन करेंगे। वैसे आपको बता दूं, नए जिले बनने से क्या नुकसान है और क्या फायदा, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी दिया है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये है, आज सीएम अशोक गहलोत 19 नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लाल डायरी का मुद्दा अब और जोर पकड़ने लगा है। बड़ी खबर यह है, जयपुर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाल डायरी के पोस्टर लगे नजर आए। इन पोस्टरों में लिखा है कि महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी।
हालांकि यह पोस्टर किसने लगाए यह अभी सामने नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। शनिवार देर रात मुनेश को निलंबित कर दिया है। इधर निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि खाचरियावास और मेरी कॉल डिटेल निकलवा कर जाँच कर ली जाए। खाचरियावास ने कहा है कि गुर्जर ने उनके साथ विश्वासघात किया है। दरअसल शुक्रवार को जयपुर एसीबी टीम ने महापौर के घर और दफ्तर में छापेमारी की थी। एसीबी की टीम ने मेयर के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए रिश्वत के साथ पकड़ा था। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।